एवरीवन, चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का इस अनोखी बैच में। पूरा आईपीसीसी ऑडिट जिसको अपन 3-4 महीने तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज हम अगले 6 घंटों में इसे पूरी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करें अपन अपने आज के लेक्चर की। उससे पहले कुछ बातें, जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं सबका अटेम्प्ट अभी अगले हफ्ते से ही है, नवंबर 15 वाले ही पधारे हैं सारे यहाँ, कोई मई 16 वाला जुगाड़ में तो नहीं आ गया। चलिए पहली बात। दूसरी बात, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने ऑडिट पढ़ रखा होगा पहले, तो कोई इस जुगाड़ में आया है क्या, 5-7 क्वेश्चन बता देना सर, काम हो जाए उससे। तो अपना जो आज का सेशन होगा वो किस तरह से डिजाइन किया गया, अपन किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपली व्हाट वी विल बी डूइंग इज हमारा रिवीजन का बेसिक जो कंटेंट होगा। तो अगर अपन ऑडिट के पेपर की एज सच बात करें तो अपने क्या क्या चैप्टर्स हैं प्राइमरली ऑडिट के पेपर में, सबसे देखें अभी आज की तारीख में अगर अपने अगले अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट देखें तो कौन सा चैप्टर कहना होगा मैं, कंपनी ऑडिट बिकॉज ऑफ ऑल दीज अमेंडमेंट्स। कारो भी आ गया अब तो कोर्स में, आपने देखा होगा तो आपके आरटीपी में कुछ छोटे मोटे कारो के साथ साथ कॉस्ट ऑडिट रूल्स से रिलेटेड भी कुछ छोटे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी विल डिस्कस। समय रहा तो मैं आपको आरटीपी जो आपकी लेटेस्ट पब्लिश हुई है उसके बारे में भी अपन एक क्विक डिस्कशन कर लेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी डूइंग कंपनी ऑडिट, सबसे पहले उसे रिवाइज करेंगे जिसमें कंपनी ऑडिट 1, 2 और कारो। अपना ज्यादा फोकस रिविजन में होगा कंपनी ऑडिट 1 और कारो पे। कंपनी ऑडिट 2 रिलेटिवली कंपेरेटिवली सिंपलर है, उसको कंपेरेटिवली जल्दी जल्दी क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हमारा सबसे बड़ा एरिया ऑफ डिस्कशन होगा एसेस। एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए चैप्टर्स लाइक वाउचिंग वेरिफिकेशन स्पेशल ऑडिट ये सब फिर भी रिलेटिवली इतने ज्यादा लेंदी नहीं है कि इसे रिवाइज करने में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है। मेन सबसे बड़ी आपकी आई होप समस्या आती होगी दैट वुड बी एसेस। ऑलमोस्ट 35 स्टैंडर्ड अपने कोर्स में आ जाते हैं, 35 स्टैंडर्ड इतना लेंदी कि एक समय के बाद आदमी छोड़ ही देता है पढ़ना। उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल टुडे। आज आप लोगों के लिए खास तौर पे तैयार किए गए हैं ऐसे के समरी चार्ट्स, कुछ 50 पन्नों में सारे के सारे ऐसे को मैंने क्या किया है बांध दिया। तो इन सम 50 पेजेस ऑल दी एसेज हैव बीन समराइज्ड विद लाइक 1 ऐसे इन 1 और मैक्सिमम 2 पेजेस। और ये जो भी समरी बनाई गई है दिस इज ऑल विथ ऑल दी कीवर्ड्स, अल्टीमेटली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे और उसके आंसर के जो की कंटेंट आएंगे वो सब उसमें कवर करके ऐसी समरी बनाई गई। वंस यू हैव दी समरी इन योर हैंड आई विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए तो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग वंस वी हैव द समरीज इन आवर हैंड। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज अपने रिवीजन में सबसे पहले शुरू करेंगे कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट के बाद अपन करेंगे सारे एसेस, फिर आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ टिप्स। तो वॉचिंग वेरिफिकेशन स्पेशल ऑडिट, इनमें मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल टिप्स दे दूंगा कि इन चैप्टर्स को अपने को किस तरह से क्या करना है, आखिरी समय पर रिवाइज करना है। ऑब्वियसली बात है 6 घंटे का टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा पर्याप्त समय नहीं है कि अपन पूरा का पूरा 100% ऑडिट रिवाइज कर सके, यानी अपने रिवीजन में अपना फोकस ज्यादा जो होगा दैट विल बी ऑन कंपनी ऑडिट एंड द एसेस। एंड कंपैरेटिवली आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स टर्म्स ऑफ हाउ टू टेक अप द अदर चैप्टर्स। इस तरह से अपन इस पूरे सेशन को प्लान करेंगे। ब्रेक की जब जब इच्छाएं होती जाए आपकी तब तक उसको दबाते जाए, टिफिन विफिन लेके आए हो तो खोल के बैठ जाना, खाते पीते रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2-3 छोटी मोटी बातें अपन शुरुआत करें उससे पहले की हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले मुझसे ऑडिट ना पढ़ा हो। पीपल हु आर सिटिंग हियर नॉर्मली उनके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि सर हमने आपसे पढ़ा नहीं है और आज पढ़ेंगे तो कुछ नया तो नहीं हो जाएगा, यानी मन में छोटी सी ऐसी घबराहट है कि कुछ बदल सा तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें वी अंडरस्टैंड, तो यू नो लेक्चर विच यू हैव डिजाइन टुडे इज कीपिंग ऑल दोस इन माइंड। तो सबसे
अपनी अपनी पढ़ने की एक शैली होती है, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज रियली रियली रेलिवेंट, वेदर आपने पहले यहां से पढ़ा है नहीं पढ़ा है. बस एक अजम्पशन है कि आपने ऑडिट पढ़ रखा है. इस अजम्पशन के साथ अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे और अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा दैट एनीबडी हु इज सिटिंग हियर हैविंग सम नॉलेज व्हाट ऑडिट इज शुड बी एबल टू रिवाइज द होल टॉपिक. हमारे पास इतना समय जरा भी नहीं होगा कि अपन किसी भी प्रकार के नोट्स बनाए या मैं कुछ भी नोटिंग कराऊं. तो आई होप दैट आप लोग जो भी आए हैं सब अपनी किताबें कुछ लेकर आए होंगे आप जिससे पढ़े हैं आप लोग. ऑब्वियसली यू विल हैव टू कीप दोज बुक्स इन योर हैंड व्हेन वी स्टार्ट विद आवर रिवीजन और डिस्कशन. कोई सिर्फ टिफिन लेकर आ गया है क्या? चलिए तो आप लोग अपनी किताबें अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि वो चीज जरूरी होगी हमारे डिस्कशन के लिए. आप उसको रेफर कर सकते हैं समय पर. सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑन कंपनी ऑडिट. तो उससे रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है आप उसको ओपन करके रख लीजिए ताकि अपन सबसे पहले उससे शुरू कर सके. जो भी किताब से आपने पढ़ाई करी है वॉट एवर एंड विच एवर बुक यू हैव यूज्ड यू कैन प्लीज यूज दैट पर्टिकुलर बुक. चलिए आप स्वयं पधार गए, सॉफ्ट कॉपी ले आए बस, शाबाश. प्रैक्टिस मैनुअल, शाबाश, यहीं से आएगा सीधा. चले आंसर वगैरह एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, वो सब भी मैं बता दूंगा. आखिरी में अपन एक छोटा सा डिस्कशन उन सब पर भी कर लेंगे. अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैंडल करना नहीं, अभी अपना बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव है क्या, सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना. ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन अपने इस महारिविजन की. बताएं सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं हम, कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट में एज सच आप देखेंगे तो आपके कोर्स में कंपनी ऑडिट को दो पार्ट्स में बांट रखा है. ठीक है, पहला पार्ट जिसे आप बोलते हो कंपनी ऑडिट वन, जो बात करता है कंपनी ऑडिटर की. दूसरा पार्ट है आपका कंपनी ऑडिट टू, जो बात करता है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिविडेंड्स. और उसके साथ में एक नया भाग हमारे लिए पढ़ने के लिए आ गया, दैट इज कारो, जिसके कितने पॉइंट्स हैं? 12. सो देयर आर दोस 12 पॉइंट्स ऑफ कारो व्हिच वी विल हैव टू डिस्कस, जो पहले 21 हुआ करते. हमारा सीक्वेंस होगा सबसे पहले कंपनी ऑडिटर के प्रोविजंस. कंपनी ऑडिटर के जितने भी प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे कहां दिए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013. कौन से सेक्शंस में दिए गए हैं? सेक्शन 139, सेक्शन 148. सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 में किससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं? कंपनी ऑडिट, जिसको कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10 कहते हैं. एंड चैप्टर 10, आपको पता है कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैप्टर्स. हमारे ऑडिट के कोर्स में तीन चैप्टर अपने काम के हैं, चैप्टर 8 जो डिविडेंड्स पर है, चैप्टर 9 जो कंपनी अकाउंट्स पर है, और चैप्टर 10 विच इज ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स. इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर 10, दैट इज कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स. चैप्टर 10 के अंदर टोटल हमारे कितने सेक्शंस हैं? तो वी हैव सेक्शन नंबर 139 टू 148. सबसे पहले अपन इन सेक्शंस का रिवीजन करेंगे. ये जो भी रिवीजन या डिस्कशन करेंगे ये अपन सब किस सीक्वेंस में करेंगे? सेम इन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन. साथ में अपन सेक्शन नंबर भी जहां जहां याद रखने की कोशिश करना है वो भी करेंगे. और वी विल कीप अ नोट दैट ऑल दीज सेक्शन नंबर्स आर ऑल्सो देयर इन आर माइंड्स. सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सेक्शन 139. किसके ऊपर है भाई 139 बताएं? चलिए तो सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पे आ जाते हैं अपन. चले तो दिस इज जस्ट अ क्विक लिस्ट ऑफ ऑल दी सेक्शंस व्हिच वी आर हैविंग. सबसे पहले 139 की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. आप बताओ ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद क्या करते? अपॉइंट करने की बात कर ली तो अगली बात किसकी करना होगी? रिमूवल. तो 140 किसकी बात करेगा? रिमूवल. 141 किसकी बात करेगा? इट विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन. 142 किसकी बात करेगा? दैट विल टॉक अबाउट रेमुनरेशन.
फोर थ्री है, तो नंबर ही इतना खास है कि आपको याद ही होगा, पावर्स एंड ड्यूटीज, 1, 4, 3। चलो फिर 144 अपना क्या है, धारा 144 कर्फ्यू लगाने की धारा में क्या पढ़ते हैं, ऑडिटर कैन नॉट रेंडर अदर सर्विसेस। फिर आपके 145, 146 मिसलेनियस सेक्शंस है आपके, जो किसकी बात करते हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट रिपोर्ट साइन खुद करेगा, एजीएम अटेंड करेगा। 147 में पनिशमेंट दिए, और 148 आपका क्या है, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड आपके प्रोविजन। आजकल ये कॉस्ट ऑडिट सीए करता है या सीमा करती है, ये सीमा ने हमसे ले लिया है। चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले अपन उसमें डिस्कशन शुरू करेंगे, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस को दो पार्ट में बांटा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट। इन दोनों प्रोविजंस को फिर तीन भाग में पढ़ा जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। इसी तरह से गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को तीन भाग में बांटा जाएगा, विच विल बी फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, सबसे पहले अपन जितने भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, हटाओ सरकारी कंपनी को, तो किस पे आ गए अपन, अदर देन गवर्नमेंट। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में तीन चीजें पढ़ना है, फर्स्ट, सब्सिक्वेंट, कैजुअल। शुरू करते हैं फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजन से, सबसेक्शन वगैरह सब आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होगा कि वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करे, कितने दिन में, 30 डेज। एक सिंपल सी चीज याद रखना, पूरे कंपनीज एक्ट में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई काम दिया है उसका टाइम लिमिट 30 दिन ही है। अरे वाह, ये तो याद ही हो गया, जहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टाइम लिमिट आए उसका समय हमेशा कितना है, 30 दिन फिक्स है, उससे ज्यादा टाइम लिमिट कभी उसको अलॉट ही नहीं की गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितना समय दे दिया फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। 30 दिन में अगर बोर्ड नहीं कर पाया तो क्या होगा, द पावर विल गो टू शेयर होल्डर। अभी आरटीपी में इसका एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि फर्स्ट ऑडिटर अगर अपॉइंट नहीं करेगा तो क्या उसे शेयर होल्डर को इत्तला करना होगा, यस, तो ही विल इन्फॉर्म द शेयर होल्डर। फिर कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर कितने समय में अपॉइंट करेंगे, दे विल अपॉइंट इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो शेयर होल्डर विल अपॉइंट इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, कब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इन्फॉर्म करेगा, किसे, शेयर होल्डर को, 90 दिन में शेयर अपॉइंट करेंगे। क्या शेयर होल्डर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही हो सकता है क्या, इनफैक्ट क्या शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होगा क्या, बोलो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर के पास जाती है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर हमेशा जनरल मीटिंग में ही करेंगे। जनरल मीटिंग कितने प्रकार की होती है, तीन, क्या क्या, एजीएम, ईजीएम, एसजीएम, अब नहीं होती, पहले तीन प्रकार की होती थी, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। अब सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, एजीएम, और उसके अलावा सारी जनरल मीटिंग को बोलते हैं ईजीएम। वो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का पावर पूरा प्रोविजन अब खत्म हो गया, यानी सिंपल सा प्रोविजन है यार, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट कर दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो नहीं कर पाए तो वो इन्फॉर्म कर दे शेयर होल्डर को, 90 दिन में कौन कर देगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो देगा वो किस में अपॉइंट करेगा, जनरल में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है इसका ऑफिस कब तक चलेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस विल कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। पहला ऑडिटर अपॉइंट हो गया, कितने समय तक चल गया, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक चल गया। अब फर्स्ट एजीएम आ गई, इसका ऑफिस खाली हो, किसे अपॉइंट करेंगे,
अब आएगा सबसिक्वेंट ऑडिटर। सबसेक्शन 6 बात करता है फर्स्ट ऑडिटर की, सबसेक्शन 1 बात करता है सबसिक्वेंट ऑडिटर। सबसिक्वेंट ऑडिटर के प्रोविजंस क्या हैं? सबसिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा, ऑडिटर किसका काम चेक करेगा? कंपनी को कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो काम किसका चेक होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा होना चाहिए, यानी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमेशा किसके द्वारा होना चाहिए? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है, यानी शेयर होल्डर। पर क्योंकि पहले साल में हो सकता है कि कंपनी का जो फर्स्ट ईयर हो वो ही 4-5 महीने का हो, इसलिए समय कम होता है। तो इसलिए बोलते हैं भाई पहली बार, क्योंकि हो सकता है अगर कंपनी दिसंबर में शुरू हुई है उसका अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, 4 महीने का अकाउंटिंग ईयर है उसका। तो अब आप अगर शेयर होल्डर तक जाओगे तो समय नहीं बचेगा ऑडिट का, इसलिए पहली बार बोल दिया कि चलो यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर दो। हमारी पसंद तो हमेशा कौन है अपॉइंट करने के लिए? शेयर होल्डर। इसलिए बोर्ड पर एक लिमिट भी डाल दी कि जल्दबाजी है तो 30 दिन में अपॉइंट करना, नहीं करोगे तो हम समझ जाएंगे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो पावर किसको दे देंगे? शेयर। और ये बस पहली बार की बात थी, इसके बाद तो अब हमेशा हम ऑडिटर किससे अपॉइंट करवाएंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, किस में अपॉइंट करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग, AGM बनी जाती है इसके लिए, ताकि हर ऑडिटर अपॉइंट हो सके, डायरेक्टर अपॉइंट हो सके, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड हो और रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है, डिविडेंड देना है, उसकी बात हो। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस। AGM, पहली AGM हुई, पहली AGM में आप बताओ क्या पहले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखे होंगे क्या? यस, जिसका ऑडिट किसने किया होगा? फर्स्ट ऑडिट। तो फर्स्ट AGM में पहले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हैं, जिसका ऑडिट किसने किया है? फर्स्ट ऑडिटर। उसका डिस्कशन हुआ, अब नया ऑडिटर अपॉइंट होएगा। नया ऑडिटर अब कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। कितने साल के लिए? 5 AGM। ये प्रोविजन 5 AGM में ऑडिटर अपॉइंट करने का कौन सी कंपनी पे लगता है? ऑल कंपनी या स्पेसिफाइड कंपनी? ऑल कंपनीज। ध्यान रखना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर के जो नियम है वो स्पेसिफाइड कंपनी पर है, लेकिन 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट करने का नियम सारी कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उसके अलग पड़ेंगे। हर कंपनी का ऑडिटर AGM में अपॉइंट होगा, कितने साल के लिए? 5 साल। बोलचाल की भाषा में 5 साल, लीगल टर्मिनोलॉजी में फॉर 5 AGMs, यानी फर्स्ट AGM से 6th AGM के कंक्लूड होने तक उसका ऑफिस चलेगा। तो सर 1 साल अपॉइंट कर दिया तो 5 साल रहेगा, तो ऑडिटर तो मस्त रहेगा, उसको तो टेंशन ही नहीं, वो तो 5वें साल में ही काम करेगा, बोलेगा अब तो हमको कोई हटा ही नहीं सकता है। ऐसी भावनाएं उसके मन में ना आए, इसलिए अब हर AGM में ऑडिटर को क्या किया जाएगा? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? रेटिफिकेशन यानी ऑडिटर को पुनः नियुक्त करना है या उसकी नियुक्ति को कंफर्म करना है। रेटिफिकेशन डज नॉट मीन रीअपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इज डिफरेंट, रेटिफिकेशन इज डिफरेंट। यानी अगर आपको कहीं ऐसा नियम मिले कि ऑडिटर अपॉइंट होने पे ROC को इत्तिला करो, तो वो प्रोविजन किसके लिए बनाया है? अपॉइंटमेंट। किसके लिए नहीं बनाया? रेटिफिकेशन। दोनों अलग चीज है। तो सिस्टम बड़ा सिंपल, AGM फर्स्ट, ऑडिटर अपॉइंट होगा 6th AGM तक। मस्त ना हो जाए ऑडिटर, इसलिए हर AGM में उसको हम क्या करेंगे? रेटिफाई। रेटिफिकेशन के लिए वापस से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हर AGM में अपॉइंट पास किया जाएगा, बोलेंगे भाई जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया था ठीक आदमी है, चलने दो। ऐसा कंटिन्यू करते रहेंगे 6th AGM तक, वो अपना काम कर लेगा। इस दौरान 6 AGM तक आप उसे अगर रेटिफाई नहीं कर पाए किसी साल में, तो क्या होगा? देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट अनादर ऑडिटर इन हिज प्लेस। यानी अगर शेयर होल्डर ने मीटिंग की लेकिन पुराने ऑडिटर को रेटिफाई नहीं किया, तो ऑडिटर रेटिफाई नहीं हुआ तो ऑफिस खत्म। ऑफिस खत्म तो फिर अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, क्या वो सेम व्यक्ति को कर सकते हैं या किसी और को? किसी और को करना अनिवार्य है।
पांच एजीएम तक ये ऑडिटर कंटिन्यू कर गया, पांच एजीएम पूरे हो गए, अब इसके बाद में क्या मैं इसे रीअपॉइंट कर सकता हूं? तो इसके लिए कंपनी लॉ ने प्रोविजन दिए किसके, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर यानी पांच साल ऑडिटर ने काम किया, अब मैं उसे हटा के छठे साल से नया ऑडिटर लाना चाहता हूं, क्या मैं ला सकता हूं या उसी को रीअपॉइंट करना होगा या मैं उसको रीअपॉइंट कर ही नहीं सकता? इन सब के लिए पहले तो ये बताओ कि आपने बोला ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर, तो डिसाइड कौन करता है अपॉइंट किसे करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए प्रपोज करते हैं। तो एक ऑडिट कमेटी होती है, सुना है आप लोगों ने। ऑडिट कमेटी हर कंपनी में नहीं होती है, सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनी में होती है जो एक लिमिट्स क्रॉस करती है। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक ऑडिटर प्रस्तावित करेगी कि भाई ये मेरी पसंद है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो ऑडिटर पसंद आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो बोलेगा नहीं हमारी पसंद तो कोई और है। इन दोनों के बीच में अगर कहीं कश्मकश हुई तो बताओ जीतेगा कौन, बात किसकी मानेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बिजनेस करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फाइनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो डिसीजन है उसे माना जाएगा और वो ऑडिटर प्रपोज किया जाएगा शेयर होल्डर। अगर दोनों की रिकमेंडेशन मिसमैच होती है तो बोर्ड को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना होगा कि क्यों उसने ऑडिट कमेटी का डायरेक्टर नजरअंदाज करके अपना डायरेक्टर प्रपोज किया। यानी प्रोसीजर हो गया ऑडिट कमिटी रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल देन अग्री, इफ नॉट अग्री दे विल गिव सम अदर ऑडिटर दैट विल बी प्रपोज टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर विल देन अपॉइंट दैट ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम में अपॉइंट हुआ पांच साल के लिए, हर साल उसका रेटिफिकेशन होते रहेगा। पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जब सब कुछ एज पर प्लान चल रहा है, पांच साल के लिए अपॉइंट हो गया, छठी एजीएम आ गई, अब उसे रीअपॉइंट करना है या नहीं, उसके लिए फिर प्रोविजन आए सबसेक्शन टू में। उससे पहले एक बात बताओ, क्या आरओसी को बताने की जरूरत, कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू इंटीमेट टू आरओसी, कितने दिन में, 15 दिन में, किस फॉर्म में, ADT 1। ADT स्टैंड्स फॉर ऑडिट, पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन तो ADT 1। ADT 1 नंबर फॉर्म में आरओसी को इंटीमेट करेंगे कि हे आरओसी हमने हमारा ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। ये कब करना है, जब अपॉइंट कर रहे हैं या रेटिफाई अपॉइंट, क्या ये फर्स्ट ऑडिटर में भी करना है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर या कैजुअल वैकेंसी या तीनों केस में। अगर आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में रिक्वायरमेंट ऑडिटर को आरओसी में इत्तला करने की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ सबसेक्शन 1 में दी गई है, इसका मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। लेकिन अगर आप ADT फॉर्म पढ़ोगे तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है ये ऑडिटर क्या कैजुअल वैकेंसी वाला है या फर्स्ट है या सब्सिक्वेंट। यानी फॉर्म पढ़ के लगता है कब इंटीमेट करना पड़ेगा हर केस में, लेकिन अगर आप लॉ पढ़ोगे तो क्या लगेगा कब इंटीमेट करना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, बेहतर है कि आप ये लिखना कि ऑडिटर अपॉइंट करने का प्रोविजन सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ सॉरी आरओसी को इंटीमेट करने का नियम सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 1 लगता है, लेकिन फॉर्म ने ये डिटेल हर केस में मांगी है इसलिए बेहतर है कि ये फॉर्म हर केस में फाइल कर दिया जाए। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला, लीगल रिक्वायरमेंट सबसेक्शन 1 में ही है पर क्योंकि फॉर्म हर केस में डिमांड करता है इसलिए रेकमेंड करना अपने आंसर में कि हर केस में ADT 1 आरओसी के पास फाइल होना चाहिए। चलिए तो अपना फॉर्मेट क्या हो गया, अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट करने के लिए अपन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले क्या किया, रेकमेंड किया, उस ऑडिटर को अपॉइंट किया, आरओसी में इंटीमेट कर दिया। इस प्रोसीजर में एक और बात बताओ, कभी ऑडिटर ने मना कर दिया बाद में, तो ऐसा ना हो इसलिए हम ऑडिटर से अपॉइंटमेंट से पहले एक रिटर्न सर्टिफिकेट ले ले कि हे ऑडिटर अगर हमने तुम्हें अपॉइंट किया तो क्या तुम्हें कबूल होगा, क्या तुम क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए, लिमिट्स हैं तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने की, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ये इंस्टीट्यूट के तो नहीं चल रहे, ये सब पहले ही बता दो
उसके बाद ही हम तुम्हें ईजीएम में प्रपोज करेंगे। यानी प्रोसीजर अब लाइन से बताओ, तो सबसे पहले आप बताओ क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑडिटर से रिटर्न सर्टिफिकेट, जिसमें क्या बातें आ जाना चाहिए, इच्छा है अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट, लिमिट्स हैं ऑडिट एक्सेप्ट करने की, क्वालिफाइड हो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं चल रहा। ये सारी चीजें अपन किससे कंफर्म कर लें, पहले ऑडिटर से, फिर प्रपोज कर दें, एजीएम में अपॉइंट कर दें, अपॉइंट होने के 15 दिन में आरओसी को इंटीमेट कर दें। ये ऑडिटर हर साल रेटिफाई होते जाए, 5 एजीएम तक ऑफिस कंटिन्यू रहे। इसके बाद क्या आप इसे रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस कम टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 किसका है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के आपके क्या नियम है? सबसे पहली बात बताओ, रोटेशन के नियम सब पे लगते हैं क्या? बताएं, क्या रोटेशन के नियम सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ना, स्पेसिफाइड कंपनीज। तो देखो क्या फंडा है रोटेशन का, एक बात बताओ, एक ही ऑडिटर सालों साल तक ऑडिट करेगा तो क्या दिक्कत होगी? यस, क्या होता है ना, किसी के साथ अपन बहुत लंबे समय तक रहें तो क्या संभावना बनती है कि उसके और हमारे बीच में सेटिंग, शाबाश, चलिए। तो ऐसा ना हो इसके लिए अपन क्या करेंगे बताओ, नियम डाल दिए कि हम बदल दें, बदलते रहना चाहिए। तो ये काफी आप देखें मॉडर्न ख्यालात हैं कंपनीज ऑडिट के, ये कहते हैं कि कितने साल में बदलते रहना चाहिए। चलिए तो अब इसका फंडा समझना। सबसेक्शन 2 कहता है कि बड़ी कंपनी में जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्या बोला मैंने, जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, ऐसी कंपनीज में क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनीज में क्या करना चाहिए, ऑडिटर बदलते रहना चाहिए। क्योंकि ऑडिटर लंबे समय तक काम करेगा तो हो सकता है उसकी और जिंदगी मिली भगत हो जाए। ये सारे ख्यालात लाने के पीछे किसको श्रेय दिया जाना चाहिए? सत्यम। सत्यम के केस को देखने के बाद ये सारी ये भावनाएं आने लगी कि भाई ऑडिटर और मैनेजमेंट की सांठ गांठ हो सकती है। मैंने क्या बोला, किसमें जरूरत है कि अपन ऑडिटर को बदले? बड़ी कंपनी मतलब जिसमें पैसा ज्यादा लगा है। अरे लो, इसका मतलब रोटेशन के नियम जो अप्लीकेबल किए जाएंगे वो किसके बेसिस पे किए जाएंगे, पैसा कितना लगा है। पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर या आउटसाइडर? इसलिए जो रोटेशन की लिमिट दी है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, पेड अप कैपिटल या बोरोइंग्स। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा लगा है तो उस पर तो रोटेशन लगेगा ही लगेगा। तो सिंपल सी बात, लिस्टेड कंपनी रोटेशन लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी लगेगा, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन पैसा कितना लगा है। कौन लगाता है पैसा, या तो शेयर होल्डर या बाहर वाले। तो इसके लिए लिमिट क्या दे दी, 10-20-50। 10-20-50 का मतलब क्या, बाहर वालों का पैसा और घर वालों का पैसा। पहले बताओ इन दोनों में ज्यादा किसका लग सकता है, बाहर वालों, डेट इक्विटी 2:1 होता है ना, तो बाहर वालों का ज्यादा। तो 50 की लिमिट किसकी हो गई, बोरोइंग्स की। बची 10-20 की लिमिट, 10-20 की किसकी हो गई, पेड अप कैपिटल। आप बताओ अगर कुछ लोगों का पैसा लगाए तो थोड़ा पैसा या ज्यादा पैसा लगेगा तो बड़ी कंपनी मानेंगे, ज्यादा। लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगा है तो क्या उसे बड़ी कंपनी मानना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक कंपनी की लिमिट 10 करोड़ की है और प्राइवेट कंपनी की 20 करोड़। देखो मैं छोटा छोटा तरीका भी बता रहा हूं कि दिमाग में बैठे रहे अपना प्रोविजन, नहीं तो प्रोविजन पढ़ते समय तो सब याद रहता है, बाद में भूलते हैं। रोटेशन के नियम सबसे पहली बात बताओ किसके ऊपर बेस्ड होंगे, कैपिटल एंड बोरिंग्स। बोरिंग्स की लिमिट कितनी होगी, 50। कैपिटल की कितनी लिमिट है, पब्लिक कंपनी है तो 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी है तो 20 करोड़। तो अपनी लिमिट हो गई 10-20-50। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ इट इज 10 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी, सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी इफ इट इज 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी 20 करोड़, बोरोइंग्स
इफ इट इज 50 करोड़। अगर ये कोई भी लिमिट आप टच क्रॉस करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन देखना होगा। ध्यान रखना ये लिमिट कब चेक करना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लिखा, यानी जिस दिन ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उस दिन अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। क्या ये एंड लिमिट्स हैं या और इधर, और कोई भी लिमिट क्रॉस कर दी तो आपके ऊपर रोटेशन के नियम लग जाएंगे। आया वही सबको समझ में? तो रोटेशन की लिमिट हो गई 10, 20, 50। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक, पेड अप ऑफ प्राइवेट और पब्लिक बोरिंग्स, बोरिंग्स। अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ऑडिटर को बदलना होगा। क्या फ्रीक्वेंसी में? अगर आपने एक व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट किया था 1 term of 5 years, लेकिन अगर एक फर्म को अपॉइंट किया था तो फिर 2 terms of 5 years। ध्यान रखना प्रोविजन क्या कहता है, इंडिविजुअल है 1 term of 5 year और अगर फर्म है तो 2 term of 5 year। सर हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी हम व्यक्ति नहीं है, हमने हमारी एक फर्म रजिस्टर की है सीए इंस्टीट्यूट पे, पर वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हम पे कौन सी लिमिट लगेगी, 1 term या 2 term? 1 term, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्म रजिस्टर की नहीं की। अगर एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो 1 term, फर्म यानी पार्टनरशिप है तो फिर उस केस में 2 terms। ये आपको समय मिलेगा, इतने समय तक आप क्या कर सकते हैं, ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बार आपने अपनी टर्म पूरी कर ली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ समय तक क्या करना होगा, ठंड रखना होगी, देन यू विल हैव टू कूल डाउन, यानी आपको कुछ समय तक क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना है, यानी कि आप ऑडिट उस कंपनी का नहीं कर सकते और उस पीरियड को कहा जाता है कूलिंग पीरियड। कितने साल का कूलिंग पीरियड होगा, 5 साल। तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो पहले चेक करो क्या मेरी कंपनी पे रोटेशन का नियम लगता है 10, 20, 50 या लिस्टेड कंपनी, हाँ लगता है, तो फिर ये देखो मेरा ऑडिटर इंडिविजुअल है या फर्म। इंडिविजुअल है, 1 term जैसे ही खत्म हो गई हटा के किसी और को कर दो। फर्म है तो उसको 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं 5-5 साल के लिए, फिर हटा के किसी और को कर दो। ऑब्वियस सी बात है जो नया अपॉइंट होगा वो भी 5 AGM के लिए अपॉइंट होगा, तो पिछला कब तक अपॉइंट नहीं हो पाएगा, 5 साल तक, इसलिए बोल दिया उसका कोलिंग पीरियड कितना रहेगा, 5 years। इसमें एक जो प्रॉब्लम की बात है वो इतनी सी है कि यहाँ पे जो समय दिया गया है दैट इज व्हेन अ पर्सन कंप्लीट्स हिज 1 or 2 term देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट। यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है कि उसकी टर्म कंप्लीट होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि उसकी टर्म क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या मतलब टर्म कंप्लीट होना चाहिए, मैंने अपॉइंट किया उसे 5 साल के लिए, 4 साल तक वो काम किया, 4th साल में उसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ, तो बताइए ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को कर देंगे 5वें साल के लिए। फिर अब 4th साल में मैं किसी को अपॉइंट करना चाहता हूं, क्या मैं जो वो 4 साल से था उसी को वापस ला सकता हूं, यस बिल्कुल ला सकता हूं। क्यों ला सकता हूं, क्योंकि उसकी 1 term 5 साल की पूरी नहीं हुई। ध्यान रखना कि पूरे कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं वो क्या सोच के बनाए गए कि ऑडिटर अपॉइंट होता है, अपनी पूरी टर्म रेगुलरली रीड करता है, उसके बाद ही हम उसे क्या करते हैं, हटाते हैं या नए ऑडिटर का अपॉइंट होने की संभावना बनती है। अगर आपकी टर्म कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपके ऊपर कूलिंग पीरियड के प्रोविजंस नहीं लगे, ठीक है। तो टर्म पूरी करी उसके बाद आपको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, बीच में अड़ गए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना रोटेशन का नियम भी टर्म वाइज लगता है, यानी मैं फर्स्ट ऑडिटर था 1 साल के लिए इंडिविजुअल, क्या मुझे AGM में अपॉइंट किया जा सकता है 5 साल के लिए? फर्स्ट ऑडिटर 1 साल का ऑडिट कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था, पहली AGM में मुझे क्या 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, बोलो यस बिल्कुल कर सकते हैं। यानी मेरा टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 6 साल, चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि पीरियड 5 साल का इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 term of 5 year इंपॉर्टेंट। आया भाई सबको समझ में? तो आपने जैसे ही अपनी टर्म पूरी कर दी इंडिविजुअल है तो 1, फर्म है तो 2, उसके बाद आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, कितने समय के लिए, 5 साल के। अगला मुद्दा
सर मुझे अपॉइंट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, अपनी यार दोस्त फर्म में उसे अपॉइंट कर दें चलेगा क्या? तो हम दो लोग आपस में ही बांट लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं, 5 साल मैं कर लूंगा, 5 साल वो कर लेगा, चलेगा क्या? तो फिर इसके लिए भी प्रोविजन बनाए गए। 4 तरह की फर्म्स है जिन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जो फर्म रिटायर हो रही है या जो इंडिविजुअल का ऑफिस कंप्लीट हो रहा है उसे नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? टर्म पूरी होने के बाद, पहले तो उसे नहीं कर सकते। फर्स्ट, सेकंड, कोई भी ऐसी फर्म जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्टनर है जो पिछली ऑडिटर हमारी यानी रिटायरिंग ऑडिट फर्म में भी पार्टनर था, यानी सिंपली एनी अदर फर्म विथ कॉमन पार्टनर, ठीक है? पहला किसे नहीं कर सकते? तो सपोज मैं बोलता हूं मेरा प्रीवियस ऑडिटर एक्स वाई जेड एन कंपनी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो एक्स वाई जेड को नहीं कर सकते अगर उसकी 2 टर्म पूरी हो गई। सेकंड, कोई भी ऐसी कंपनी यानी कोई भी ऐसी सीए फर्म जिसमें एक्स या वाई या जेड तीनों में से कोई भी व्यक्ति क्या है पार्टनर, किस तारीख पे, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसे नहीं कर सकते। तीसरा, मैं ऐसा करना चाहूं कि एक्स वाई जेड फर्म ऑफ ऑडिटर थी, टर्म पूरा हो गया, दूसरी फर्म में एक्स वाई जेड में से अगर कोई पार्टनर हुआ तो वो फर्म डिस्क्वालिफाई हो जाएगी। तो अगर मेरी फर्म से एक ऑडिटर, एक पार्टनर रिटायर कर जाए, छोड़ दे इस फर्म को, एक्स वाई जेड से एक्स निकल गया और उसने नई फर्म बना दी, एक्स निकल गया और उसने एक नई फर्म रजिस्टर कर दी जिसमें से वो ए बी एक्स एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से काम कर रहे हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर ए बी एक्स में एक्स एक पार्टनर है, पर क्या वो रिटायरिंग फर्म में भी पार्टनर है या वहां से निकल चुका है, यानी ही इज नॉट अ कॉमन पार्टनर एनी मोर। क्या ए बी एंड एक्स को अपन अपॉइंट कर सकते हैं क्या ऑडिटर? नहीं कर सकते। अगर एक्स ने एक्स वाई जेड एन कंपनी में जब वो पार्टनर था उस दौरान किसी भी साल उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट साइन किए, यानी कि अगर पिछली फर्म का कोई साइनिंग पार्टनर रिटायर करके कोई नई फर्म ज्वाइन कर ले तो वो उस नई फर्म को भी डिस्क्वालिफाई कर दे। और चौथी कंडीशन, कोई भी ऐसी फर्म या इंडिविजुअल जो सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। सेम नेटवर्क फर्म का मतलब ऐसी फर्म जिसमें कॉमन कंट्रोल हो या जो कॉमन ब्रांड नेम यूज करते हैं। दो फर्म जिनको कंट्रोल करने वाले लोग सेम है या कॉमन पार्टनर्स या फिर जो सेम ब्रांड में काम करते हैं, ये सारी फर्म को नेटवर्क फर्म्स माना जाएगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि किसे किसे हम अपॉइंट नहीं कर पाएंगे और ये जितने भी लोग डिस्क्वालिफाई होंगे ये सब कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे? 5 साल के। तो एक बार बता दो कौन से 4 लोग डिस्क्वालिफाई हो गए। एक तो प्रीवियस ऑडिटर, तो मेरा प्रीवियस ऑडिटर था बीजेपी एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स, 10 साल हो गए उसके, 5-5 साल की 2 टर्म। पहली बात, क्या मैं बीजेपी एंड कंपनी सीए फर्म को अपॉइंट कर सकता हूं? नहीं। हेलो, बीजेपी में एक व्यक्ति जो पार्टनर थे से ही इज ऑल्सो पार्टनर इन अदर फर्म, तो बीजेपी एंड कंपनी का 10 साल हो गया, हम आरएसएस एंड कंपनी को अपॉइंट करना चाहते हैं, दोनों में कॉमन पार्टनर है, क्या आरएसएस को अपॉइंट कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। अगर बीजेपी से कोई पार्टनर रिटायर करके कोई तीसरी फर्म में चले जाए तो बीजेपी का एक व्यक्ति हमारी नई सीए फर्म में चले गया, एएपी एंड कंपनी, क्या इस केस में वो अपॉइंट हो सकती है या वो भी डिस्क्वालिफाई? सिर्फ तब डिस्क्वालिफाई होगी जो पार्टनर गया है वो कौन सा पार्टनर था? साइनिंग पार्टनर। और चौथी बात, हम एक ऐसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं जो हम जानते हैं जिसमें कॉमन पार्टनर कुछ नहीं है पर वो सेम ब्रांड नेम है, तो हम शिवसेना एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना चाहते हैं जिसमें शिव और सेना दो ऑडिटर है,
लेकिन कोई भी बीजेपी में कॉमन ऑडिटर पार्टनर नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम ब्रांड नेम में काम करने वाले लोग हैं, ग्रुप फर्म्स हैं। आप बताएंगे शिवसेना को अपॉइंट कर पाएंगे या वो भी डिस्क्वालिफाई, वो भी डिस्क्वालिफाई। इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, कितने डिस्क्वालिफिकेशन बताए, चार। चार में से पहला रिटायरिंग वाला कॉमन ऑब्वियस है, वो दूसरा और तीसरा सिर्फ तभी लगेगा जब नई फर्म एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। दूसरा और तीसरा सिर्फ कब लगेगा, जब अपॉइंट किसे कर रहे हैं हम, एक पार्टनरशिप फर्म को। क्योंकि दूसरे और तीसरे में क्या बोला, कॉमन पार्टनर यानी फर्म होना चाहिए, तीसरे में क्या बोला, यहां से रिटायर करके वहां पार्टनर बना, यानी ये भी फर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप नेटवर्क फर्म की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें दोनों शामिल होते हैं। नेटवर्क फर्म इंक्लूड फर्म्स, इट ऑल्सो इंक्लूड इंडिविजुअल्स। यानी अगर आपका नया ऑडिटर फर्म है तो उस पर चारों डिस्क्वालिफिकेशन लगेंगे, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है तो पहला और चौथा लगेगा। दूसरे तीसरे डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ किसके लिए हैं, फर्म्स के लिए। ये आया भाई सबको समझ में? और कोई डिस्क्वालिफाई है तो कितने साल तक डिस्क्वालिफाई, 5 साल तक उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। सर एक आखिरी बात ये बता दो कि ये जो टर्म हमने कैलकुलेट करी है, इसमें अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले ही ऑडिटर चला आ रहा है तो फिर उस केस में क्या करेंगे? यानी कोई व्यक्ति पहले से ही ऑडिट कर रहे हैं तो रिलायंस का ऑडिट चतुर्वेदी एंड शाह 34 साल से कर रहे हैं, 34 ईयर्स, जबकि अब तो मैक्सिमम कितना पीरियड अलाउड है, 10 साल, तो वो तो 34 साल से कर रहे हैं। क्या वो टाइम काउंट किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 से पहले का? नियम कहता है कि 2013 कंपनीज एक्ट लगने से पहले के भी टाइम पीरियड को काउंट किया जाएगा, और उस बेसिस पे आप कितने समय के लिए और अपॉइंट हो सकते हो डिसाइड किया जाएगा। तो सर रिलायंस के चतुर्वेदी एंड शाह तो 34 साल से कर रहे हैं, यानी उस फर्म की एलिजिबिलिटी बची या खत्म हो गई? तो जिनकी खत्म भी हो गई है उन्हें अभी भी मिनिमम मैक्सिमम 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया जा सके। इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो बताइए कंपनीज एक्ट 2013 लगा 1 अप्रैल 2014 से 2014 में जो एजीएम हुई, उस एजीएम में मैं एक ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता हूं जो एक सीए फर्म है लेकिन पिछले 10 साल से हमारे यहां पर ऑडिट कर रही है, क्या उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस। कितने समय के लिए? 3 साल के। ठीक है सर, हमारी पुरानी फर्म ऑडिट कर रही है पर वो कर रही है 4 साल, पिछले 6 साल से वो ऑडिट कर रही है, कितने समय के लिए कर पाओगे? 6 साल से वो ऑलरेडी, आप बताइए आप उसे कितने समय के लिए अपॉइंट कर सकते हो? 4। वो फर्म हमारी 4 साल से हमारा ऑडिट कर रही है, जो पिछली फर्म है एक्ट लगने से पहले, कितने साल से? 4 साल। आप बताओ उसे कितने साल के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं? 6। पर आप बताओ 6 साल का हो सकता है? तो नॉर्मली ऐसे केस में आप उसे पहले 1 साल के लिए अपॉइंट कर दो और फिर 5-5 साल के लिए, क्योंकि नॉर्मली एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है? 5-5 साल। हालांकि ट्रांजिशन प्रोविजन में आप 5 साल से कम के लिए भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी एलिजिबिलिटी ही 3 साल की बाकी हो। बोलो भाई ये क्लियर हुआ सबको? एक छोटी सी बात इसमें ये भी बता दो, हमारे जो प्रीवियस ऑडिटर हैं चतुर्वेदी एन शाह जी, ये पिछले 34 साल से ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन अभी 6 साल पहले हमने 1 साल के लिए ऑडिटर बदला था, यानी बीच में उनकी सर्विस में ब्रेक आया था। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। उन्हें क्या मैं अब ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूं? और करूंगा तो उनका टर्म में कितना मानो पुराना, 34 ईयर्स या 6 ईयर्स? तो ध्यान रखना, अगर बीच में ब्रेक आया है, क्या आया? ब्रेक। और अगर वो ब्रेक 5 साल से कम का है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। यानी ब्रेक कितने साल का होगा तो ब्रेक माना जाएगा? 5 साल। यानी कि अगर 1 साल का ब्रेक हुआ है तो कंसिडर नहीं करेंगे हम, तो 34 गिन लेंगे। अगर 5 साल का ब्रेक होता तो फिर उससे पहले का पीरियड हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ उसके बाद का देखते।
यानी 30 साल ऑडिट किया, 5 साल का ब्रेक लिया, अब 6 साल से कर रहे हैं तो कितना काउंट करेंगे? 6। 30 साल ऑडिट किया, 2 साल का ब्रेक लिया, फिर अब 6 साल से कर रहे हैं तो मान लेंगे हम कितना? 30, 2 का ब्रेक इग्नोर, 6 साल से 36। ये आया भाई समझ में? बोलो, ये किससे रिलेटेड प्रोविजंस थे? ट्रांजिशनल प्रोविजन, पुराने वालों का क्या हो? ये प्रोविजन क्या सारी कंपनी पे लगते हैं या 10-20-50 लिस्टेड और 10-20-50? क्या गवर्नमेंट कंपनी पर ये प्रोविजन लगेगा? नहीं, उसके पूरे नियम ही अलग है, अभी अपन वो पढ़ ही नहीं रहे। क्लियर है ये सब? क्या ऑडिट फर्म में ऑडिट पार्टनर को भी रोटेट किया जा सकता है? सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कंपनी चाहे तो वो ऑडिटर को बोल सकती है कि अपने पार्टनर को भी आप 3-4-5-6 साल में रोटेट करो। पार्टनर बदलना मतलब समझ गए, फर्म वही रहेगी पर उसमें जो ऑडिटर पार्टनर साइन करेगा उसे बदला जा सकता है। ऐसा अपन बदलाव कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में? वो जो फर्म कंपनी चाहे उस फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, किससे रिलेटेड? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये आपका सबसेक्शन 4। यानी अपन ने 4 सबसेक्शन पढ़े सबसिक्वेंट ऑडिटर के। पहला सबसेक्शन था अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर इन AGM फॉर 5 ईयर। सबसेक्शन 2 रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड। सबसेक्शन 3 रोटेशन ऑफ ऑडिट पार्टनर ऑडिट टीम। और सबसेक्शन 4 था सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स टू इश्यू रूल्स। एक और बात, क्या जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं? यस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या उसमें रोटेशन प्लान भी किया जा सकता है? यस। ये हमारे सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 सबसिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। आखिरी मुद्दा बच गया, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी आएगी तो क्या करेंगे बताओ? कौन अपॉइंट करेगा? कैजुअल वैकेंसी तो मतलब फटाफट अपॉइंट कराना पड़ेगा, अपने पास समय नहीं है मीटिंग बुलाने का, तो पावर जब भी जल्दबाजी हो किसको दे दो? कितने दिन? बात ही नहीं करना 30 दिन। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण आई है, यानी कि मार्टर सीरियस है, ऑडिटर छोड़ के गया है, तो फिर कौन करेगा? देन इट विल बी डन बाय द शेयर होल्डर। कितने दिन में? कितने समय में? 3 मंथ्स। अब उसका प्रोविजन क्या होता है उस केस में, अपन क्या करते हैं? तो नॉर्मली ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जब रेजिग्नेशन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले क्या करेगा? प्रपोज करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? प्रपोज करता है कि हम चाहते हैं इसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, और अल्टीमेट अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? दैट इज डन बाय द शेयर होल्डर। पर शेयर होल्डर को यहां समय कितना दिया है? 3 मंथ्स। 3 महीने में वो करेंगे। और ये जो भी ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होएगा, इसका ऑफिस कब तक चलेगा? नेक्स्ट एज। ध्यान रखना, जो ऑडिटर AGM में अपॉइंट होता है सिर्फ वही 5 साल के लिए होता है, बाकी सारे ऑडिटर का ऑफिस कब खत्म हो जाएगा? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। चलो, ये क्लियर हो गया सबको? ये प्रोविजन हो गए हमारे किससे रिलेटेड? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी पे, बताओ गवर्नमेंट कंपनी में क्या? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? C&H। तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार ऐसे भी किसको दिया जाना चाहिए? C&H। C&H ऑडिटर अपॉइंट करेगा या C&H स्वयं खुद ही ऑडिटर है? तो एक चीज ध्यान रखना, हर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होता कौन है? C&H। लेकिन C&H स्वयं कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। C&H को कंपल्सरली किसे ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। यानी ये है तो हमारी दाल रोटी हमसे C&H भी नहीं छीन सकता। यानी गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट कंपल्सरली किससे कराया जाएगा? CA। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? C&H। तो C&H अगर ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो वो कितने समय में करेगा? क्या वो भी 5-5 साल के लिए करेगा? क्या वहां भी रोटेशन के नियम लागू होंगे? नहीं, उसका सब नियम ही अलग है। वो क्या कहता है, अगर पहला ऑडिटर है फर्स्ट ऑडिटर तो कौन अपॉइंट करे? C&H। कितने समय में? 60 दिन दे दे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो समय होता है क्योंकि एक कंपनी की एक बोर्ड होती है, C&H को तो इतनी कंपनियां हैंडल करना है, तो इसके लिए उसको थोड़ा ज्यादा समय तो बनता है। कितना?
60 दिन में वो ना कर पाए तो फिर पावर किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने समय में? नेक्स्ट 30 डेज, यानी 60 दिन। 60 दिन के बाद फिर बोर्ड को कितना समय दे देंगे अपन? तो वी विल गिव 30 डेज टू होम, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विच इज नोन एज नेक्स्ट 30 डेज। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नेक्स्ट 30 डेज में अगर ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की तो फिर पावर किसके पास? शेयर होल्डर, जो कितने समय में करेगा? 60 दिन। अब अपन शेयर होल्डर को 3 महीने नहीं दे सकते, 90 दिन नहीं दे सकते, बहुत सारा समय बीत चुका है, तो उसको कितने समय दे दें? 60 डेज। ठीक है, ये हो गया कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का ऑफिस कब तक चलेगा? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूड होने तक, बोलो। अब अगला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी। कितने समय में? तो वहां पे प्रोविजन ऐसा है कि अब सी एंड एजी करेगा तो एजीएम में तो करेगा नहीं सी एंड एजी, तो सी एंड एजी को बोला है कि साल शुरू होने के 180 दिन, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर सी एंड एजी 180 दिन में नहीं कर पाया तो धिक्कार है उस पर, 180 दिन का समय दे रहे हैं फिर भी नहीं कर पाए तो फिर कौन करेगा? नहीं करेंगे हम, बोर्ड बोलता है हम भी नहीं करेंगे, इतना समय दिया फिर भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। 180 डेज में किसको करना ही है? उसके बाद कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन हाँ, इस दौरान कभी ऑडिटर निकल लिया, वैकेंसी हो गई, डेथ हो गई, क्या होगा उस केस में? तो अगर कैजुअल वैकेंसी आएगी तो भी बताओ पावर किसको दिया जाएगा? सीएनडीजी को। सीएनडीजी कितने समय में करेगा? 30 डेज। नहीं हो पाया तो फिर पावर किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कितने समय में करेगा? नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, बोलो। ये किसके पावर हो गए? ऑडिटर को अपॉइंट करने की, और ये उसकी टाइमलाइंस हो गई। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी टाइमलाइन का। ठीक, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड कितने दिन? अदरवाइज शेयर होल्डर कितने दिन? 90 डेज। नॉर्मली शेयर होल्डर को 90 दिन, 3 महीने का समय देते हैं, अनलेस समय बहुत कम। ठीक है, सबसिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सबसिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर, किस में? एजीएम में, जो कब तक चलेगा? 5 साल। और कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की है तो शेयर होल्डर 3 महीने में प्रपोज बोर्ड करेगा, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही कर देगा 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी पहला ऑडिटर, हमेशा एक तरीका याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी में पहला राइट हमेशा सीएनडीजी का, फर्स्ट ऑडिटर हो कैजुअल वैकेंसी हो या सबसिक्वेंट ऑडिटर हो, पहला राइट सीएनडीजी। फर्स्ट ऑडिटर 60 दिन, नहीं हो पाया तो अगले 30 में बोर्ड, नहीं तो फिर 60 दिन में शेयर होल्डर। सबसिक्वेंट ऑडिटर साल शुरू होने के 180 दिन में सीएनडीजी। और कैजुअल वैकेंसी ध्यान रखना, रेजिग्नेशन या कोई भी कारण से हो, यहां पे फर्क नहीं है, दोनों में अलग अलग नहीं है, सेम है, हर कारण से, कोई भी कारण से गवर्नमेंट कंपनी में अगर वैकेंसी आई देन 30 डेज सीएनडीजी, नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर विल नॉट गो टू द शेयर होल्डर। ओके, क्लियर है? तरीके याद रखने के हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा पहला पावर सीएनडीजी के पास, दूसरा शेयर होल्डर के पास, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर में पावर आता है अपॉइंट करने का, बाकी कभी भी नहीं आता। इस तरह से आप प्रोविजन टाइमलाइंस ध्यान रख सकते। क्या सीएनडीजी जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, क्या उसका भी आरओसी में इंटीमेशन देना है क्या? उसका कोई नियम नहीं है, ADT 1 फॉर्म वहां पर फाइल नहीं होगा। क्या रोटेशन के नियम लागू होंगे क्या गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर पे? कोई नियम नहीं है, वो गवर्नमेंट के इंटरनल रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट खुद 3-3 साल में ऑडिटर रोटेट करते, सीएनडीजी 3-3 साल में ऑडिटर बदल देता है, वो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, वो उनकी इंटरनल गाइडलाइन। एक और छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी पावर आपका किसके पास जाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, तो शब्द यूज करना नेक्स्ट डेज। क्या मतलब नेक्स्ट डेज? सीएनडीजी को सब 60 दिन में करना था, नहीं किया तो पावर किसके पास जाएगा? बोर्ड, दैट इज नेक्स्ट 30 डेज। पर जब शेयर होल्डर के पास पावर होता है तो विद इन यूज करते हैं, विद इन 60 डेज। तो बोर्ड के पास पावर जाता है तो साफ साफ लिखा है नेक्स्ट
पर जब शेयर होल्डर के पास जाएगा तो लिखते हैं विदिन। क्यों लिखते हैं विदिन? क्योंकि शेयर होल्डर को इत्तला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, उसके बाद ही शेयर होल्डर क्या कर पाएंगे, ऑडिटर अपॉइंट कर पाएंगे। इसलिए वहां पे नेक्स्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये आपकी हो गई गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टाइम लिमिट्स, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टाइम लिमिट्स। अब बचेंगे ये मिसलेनियस बातें, तो ये बताइए क्या रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना अनिवार्य है? सबसेक्शन 9 कहता है जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसे हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। कब? जब वो डिस्क्वालिफाइड है, या उसने मना कर दिया, या मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया कि चाहे जो हो जाए उसे तो अपॉइंट नहीं करेंगे। अदरवाइज जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। करना ही होगा या कर सकते हैं? कर सकते, पर कब नहीं कर सकते? रिफ्यूज डिस्क्वालिफाइड स्पेशल रिजोल्यूशन पास नॉट टू अपॉइंट, सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 10 क्या था? अगर ऑडिटर का एजीएम में अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ तो क्या करें? क्या बोला मैंने, रेटिफाई नहीं हुआ या अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर जो प्रीवियस ऑडिटर है वही अपना ऑफिस कंटिन्यू। सर अगर प्रीवियस ऑडिटर के 5 साल पूरे हो गए तो फिर प्रोविजन साइलेंट है। साइलेंट है यानी ये नहीं बताया गया क्या करेंगे। तो बेटर तो फिर यही होगा कि अगर प्रीवियस ऑडिटर अपना टर्म पूरा कर चुका है और कूलिंग पीरियड में आ गया है तो फिर बेहतर यही होगा कि शेयर होल्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर नया ऑडिटर अपॉइंट करें। हालांकि लॉ क्लियर नहीं है इस पे, लॉ तो बोलता है पिछला ही कंटिन्यू करेगा, पर पिछले टर्म पूरा हो गया तो फिर वो कूलिंग पीरियड में आ गया तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो बेहतर है कि फिर शेयर होल्डर ईजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करें। और एक सबसेक्शन 11 कहता है कि जब भी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात होगी हमेशा ऑडिट कमिटी ही से रिकमेंडेशन ली जाएगी। ठीक है, प्रोविजन कैसे हो गए अपने? सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 सबसिक्वेंट ऑडिटर, सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी। गवर्नमेंट कंपनी में आगे बढ़ जाओ एक एक, 6 फर्स्ट ऑडिटर है अदर देन गवर्नमेंट तो 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। अरे बोलो, 1, 2, 3, 4 सबसिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो सबसेक्शन 5 सबसिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। कैजुअल वैकेंसी का एक ही सबसेक्शन है, दोनों का सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 9 इज नो रीअपॉइंटमेंट, 10 इज नॉन अपॉइंटमेंट, 11 इज पावर ऑफ ऑडिट कमिटी। एक बात ध्यान रखना, एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाए और एजीएम कंक्लूड भी नहीं हुई तो क्या होगा? तो पिछले का ऑफिस ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जब तक एजीएम कंक्लूड नहीं होती तब तक ऑडिटर का ऑफिस ही खत्म नहीं होता। यानी सबसेक्शन 10 कब लगता है? जब एजीएम कंक्लूड हो गई लेकिन ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया। एजीएम कंक्लूड ही नहीं हुई तो प्रीवियस ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन और सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दी सेक्शंस आईपीसीसी के लिए सेक्शन 139। ये सेक्शन के साथ साथ में जो ट्रांजिशनल प्रोविजन ये सब अपन ने पढ़े, ये सब किस में दिए गए? रूल्स में। सेक्शन 139 इज रेड अलोंग विथ रूल्स। कौन से रूल? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। सारे ऑडिट के प्रोविजंस जो है या तो सेक्शन में या रूल्स, रूल का नाम है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। रूल 3, 4, 5, 6 आर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट। ठीक है, फॉर्म एक पढ़ा अपन ने एडीटी 1। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 140 पे। चलिए ये तो अपना हो गया डिस्कस, कैजुअल वैकेंसी रीअपॉइंटमेंट। चलिए रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 किसकी बात करता है? तो दो चीजें, ऑडिटर ने छोड़ दिया या कंपनी ने छोड़ दिया, दो ही बातें हो सकती, या तो अपन छोड़ दें या वो छोड़ दें। पहली बात क्या करें? चलो पहले अपन छोड़ते हैं,
अगर ऑडिटर ने छोड़ा है तो बताइए क्या ऑडिटर को सरप्राइज देना चाहिए कि जाना ही बंद कर दे, या बताना होगा? किसको बताना होगा? कंपनी को और आरओसी को? और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो सीएनडीजी को भी, सबको बता के जाना है कि कल से नहीं आएंगे। तो ये बताना कैसे? आरओसी को एसएमएस करना है क्या? फॉर्म भरेंगे कौन सा? AUDIT 3। ये फॉर्म दिया जाएगा, कितने दिन में बताना है? 30 दिन, 30 डेज। 30 दिन में इंटीमेट करेंगे कि हम ऑडिट छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। किसको बताएंगे? आरओसी। कभी भूल गए तो ऑडिटर तो भूल ही नहीं सकता। हम तो जानते हैं, जब जब हम चीजों को भूलते हैं इंस्टीट्यूट हमें 6 महीने की सजा देते हैं, नवंबर से मई, मई से नवंबर। लेकिन यहां पे सजा 6 महीने की नहीं है, पेनल्टी, पैसे से काम हो जाएगा। कितना? 50,000 से 5 लाख। ऑडिटर को कंपनीज एक्ट ने इतना समृद्ध माना है तो बोले इनके पास बहुत है, इनसे तो ऐसे ढेर में लियो। एक फॉर्म मात्र नहीं भर पाने पर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी? 50,000 मिनिमम, उससे तो कम करेंगे ही नहीं। मैक्सिमम कितनी? 5 लाख। कब? जब रिजाइन करने पे बताना भूल गए। सर 5,000 तो हमारी ऑडिट फीस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 50,000 से 5 लाख की पेनल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, 140 सबसेक्शन 2, रिजाइन करो आरओसी को, 30 दिन में इत्तला करो AUDIT 3 में। सबसेक्शन 3 कहता है नहीं करने पर 50,000 से 5 लाख की पेनल्टी। पेनल्टी 3 में दी हुई है सबसेक्शन में, और प्रोविजन 2 में दिया। ये तो हो गया, हमने छोड़ दिया। अब आ जाएं, किसने छोड़ दिया? कंपनी ने छुड़वा दिया। कंपनी ने छुड़वाया, इसका मतलब क्या? हटा दिया हमें या पुनः नियुक्त नहीं किया? हटा दिया या पुनः नियुक्त नहीं किया? तो मुझे एक बात बताओ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मोदी जी की सरकार चली, 5 साल तक चली, और अगले चुनाव में फिर उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया गया, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे कि हटा दिया, या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे तो सही। इसी तरह से कंपनीज एक्ट में भी देखो, ऐसा ही है, सारा चुनावी प्रक्रिया है। अपना प्रधानमंत्री भी कितने साल के लिए नियुक्त होता है? 5। ऑडिटर भी कितने साल के लिए? 5। फर्क इतना है, वहां पे कोई रेटिफिकेशन का फंडा नहीं होता है, अपने यहां हो जाता है। 5-5 साल के लिए अपना ऑडिटर अपॉइंट होएगा, 5 साल बाद फिर वापस से अपॉइंट हो सकता है क्या? यस। एक और फर्क यह है कि हमारे यहां पर व्यक्ति अपॉइंट होता है तो एक टर्म 5 साल की, फर्म हो तो 2 टर्म 5 साल की। प्रधानमंत्री में ऐसा कुछ नहीं, एक प्रधानमंत्री 10-20-50 साल भी चल सकते। अब यूएस में जाओगे तो वहां ऐसा ही नियम होता है, 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ओबामा जी का अब अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो प्रोविजन बिल्कुल वैसा ही है। और क्योंकि आपको समझो, ओबामा जी ने सपोज 2 टर्म थी मैक्सिमम अवेलेबल, 1 टर्म पूरी कर दी, दूसरी टर्म में चुनाव हार गए और वापस से रीअपॉइंट नहीं हुए, क्या लोग तो यही बोलेंगे हटा दिया? सेम उसी लॉजिक से 140 में भी रिमूवल के दोनों मतलब होते हैं। रिमूवल मींस रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ 5 years, रिमूवल ऑल्सो मीन्स नॉन रीअपॉइंटमेंट वेन यू वर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंट। तो रिमूवल इनफैक्ट अपन 3 तरह से पढ़ेंगे। 1, समय से पहले हटा दिया, सबसेक्शन 1। दूसरा, रीअपॉइंट कर सकते थे पर नहीं किया, सबसेक्शन 4। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल कोई फ्रॉड का केस आ गया तो उन्होंने हटा दिया, उनके द्वारा हटा दिए गए, सबसेक्शन 5। सबसे पहली बात, अगर आपकी टर्म चल रही है और आपको हटाना है, आप बताइए कि ऑडिटर को ऐसे ही हटाया जा सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो ऑडिटर को अगर टर्म चलने के दौरान यानी 5 साल के दौरान हटाना है तो क्या करना है? पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करे, रिजोल्यूशन पास करने के 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट को बोले गवर्नमेंट ये लो फॉर्म AUDIT 2, हम ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, इसे अप्रूव कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर परमिशन देगी, परमिशन मिलने के 60 डेज में फिर क्या करना होगा? शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाना होगी, उस मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन से ऑडिटर को हटाना पड़ेगा।
यानी पहले कौन प्रपोज करेगा? बोर्ड। फिर किसके पास जाएगा? फिर सीजी बोलेगी कि हाँ ठीक है हटा दो, तो फिर शेयर होल्डर को 60 दिन में क्या रखना है? स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करना है। 30 दिन की लिमिट किसके लिए? बोर्ड को रिजोल्यूशन पास करके सीजी के पास जाना। सीजी कितने दिन में अप्रूवल देगी? उसके कोई टाइम लिमिट नहीं, सरकार पे कोई टाइम लगा सकता है क्या? वो भी हमारी सरकार। और फिर सीजी के अप्रूवल आने के कितने दिन में शेयर होल्डर हटाएंगे? 60 दिन। वो भी किससे? स्पेशल रिजोल्यूशन। फिर इस ऑडिटर को अपॉइंट, ये हट जाएगा, इसके बदले में फिर नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रोविजन हो गया? रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। सेकंड, मैं एक फर्म हूं, मुझे एक टर्म 5 साल के लिए अपॉइंट किया, अब मुझे हटा रहे हैं यानी रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, और कोई दूसरी फर्म को रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं, आप बताइए सबसे पहली बात, क्या इसे रिमूवल माना जाएगा? यस। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? अ फर्म विच इज एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड बट नॉट रीअपॉइंटेड, दैट मींस इट इज अ रिमूवल ऑफ द फर्म, यू विल हैव टू गिव अ स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस का मतलब होता है कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर प्रपोज कर सकता है इस फर्म को रीअपॉइंट ना किया जाए। अगर वो प्रपोजल आएगा तो फिर उस केस में एजीएम में प्रपोजल में स्पेशल नोटिस यानी कि एक हाईलाइटेड नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा कि हमारा पिछला ऑडिटर हालांकि एलिजिबल है लेकिन हम उसे अपॉइंट नहीं करके किसी और को अपॉइंट करना चाह रहे। कंपनीज एक्ट में नियम होता है कि स्पेशल नोटिस अगर देना है तो उसमें मिनिमम कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर की सहमति लगती है, तभी हम क्या कर सकते हैं स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। फिर उसकी लिमिट होती है, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास मिनिमम 1% वोटिंग राइट है या 1/10 ऑफ द क्रेडिटर्स, ऐसे नॉर्म्स होते हैं। यानी अगर ऑडिटर का टर्म बाकी है पर मैं उसे रीअपॉइंट नहीं कर रहा तो पहले क्या लाना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस। ये कौन देता है? शेयर होल्डर। बोर्ड को देंगे, फिर बोर्ड उसके आधार पर क्या करेगी? प्रपोजल रखेगी कि पिछले को मत करो, किसी और को अपॉइंट किया जाए। क्या रिजोल्यूशन भी स्पेशल लगेगा क्या? नहीं, सिर्फ स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है, रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी। आया समझ? और आखिरी तरीका ऑडिटर को हटाने का कारण, फ्रॉड्स। अगर आपको लगता है ऑडिटर फ्रॉड्स में सम्मिलित है, इन्वॉल्व्ड है, तो उस केस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल या कोई भी व्यक्ति ट्राइब्यूनल को कंप्लेन करेगा। ट्राइब्यूनल तहकीकात करेगा और मालूम पड़ा ऑडिटर धोखाधड़ी कर रहा है तो फिर वो कंपनी को इत्तला करेगा कि अपने ऑडिटर को बोल दो कल से नहीं आए। लेकिन अगर कंप्लेन सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, किसकी, तो डायरेक्टली आप किसे इन्फॉर्म करोगे? ऑडिटर को, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। कौन इन्फॉर्म करेगा? ट्राइब्यूनल। क्या बोलेगा? भाई ऑडिटर कल से ऑफिस नहीं आना। एक बार आपने अगर इस तरह से किसी ऑडिटर को हटा दिया तो वो ऑडिटर किसी भी दूसरी कंपनी में कितने साल तक? 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। यानी जो उसके ऑडिट चल रहे हैं क्या वो कंप्लीट कर सकता है? यस, लेकिन अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या रेटिफाई भी किया जा सकता है उसे? यस, सिर्फ अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कितने साल तक? 5 साल। प्लस उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कौन से सेक्शन की पेनल्टी? 447। और 447 में कितनी पेनल्टी है? जितने का फ्रॉड हुआ है उसका 1 से 3 गुना, फ्रॉड के अमाउंट का 1 to 3 times। ये तो पेनल्टी हो गई। अंदर कितने समय के लिए भेजेंगे? तो मिनिमम ऑडिटर एक अटेम्प्ट के लिए तो जाता ही है, 6 महीने से 10 साल। और अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ी करी है जो जनता को, पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, तो फिर एक अटेम्प्ट की बजाय एक आर्टिकल शिप हो जाएगी, यानी 3 साल से 10 साल। वंस मोर कर लें क्या? ऑडिटर को कौन हटा रहे? ट्राइब्यूनल। किसके कहने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के कहने पे या किसी के कहने पे? क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड किया। पहली बात तो वो ऑडिटर कितने साल तक?
किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा, उस ऑफिस उस कंपनी में तो हाथों हाथ बाहर हो जाएगा, प्लस 447 की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी फाइनेंशियल कितनी होगी? 1 to 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और इंप्रिजनमेंट कितना होगा? 6 महीने से 10 साल। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फिर 3 साल से 10 साल। सेक्शन 447 की पेनल्टी, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले आपके कंपनी लॉ के सारे काम कौन करता था? कंपनी लॉ बोर्ड, सीबीडीटी समझते हो। इनकम टैक्स का सारा काम कौन संभालता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स का सीबीईसी। वैसे ही कंपनीज एक्ट का सारा काम कौन संभालता था? कंपनी लॉ बोर्ड। नए लॉ में कंपनी लॉ बोर्ड को रिप्लेस करने के लिए क्या बनाया गया? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो इट इज अ बॉडी जो बेसिकली कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस का पालन करती है। अभी ट्राइब्यूनल जब तक इफेक्टिव नहीं हो रहा है तब तक कंपनी लॉ बोर्ड वो काम संभालती है, ऐसा। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या होता है? बेसिकली एक बॉडी है, सेट ऑफ पीपल है। ट्राइब्यूनल और कोर्ट में फर्क ये होता है कि ट्राइब्यूनल में कोई भी व्यक्ति जाके पेशी कर सकता है, कोर्ट में आपको काले कपड़े में जाना अनिवार्य है। यानी आपको एडवोकेट हो, आप लाइसेंस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तो ही आप वहां पर जाके प्रैक्टिस या अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते। तो ट्राइब्यूनल ने कभी कंप्लेन में किसी को बुलाया तो आप अपने रिलेटिव सीए किसी को भेज सकते हो आपकी सुनवाई के लिए, ऐसा। तो इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ बॉडी है ये। आपका सेक्शन 140, इसमें दो फॉर्म आए, एडीटी 2, एडीटी 3। एडीटी 2 कब लगता है? जब ऑडिटर को आपको बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म हटाना है। 3 कब लगता है? जब ऑडिटर खुद रिजाइन करके। जब भी ऑडिटर को आप हटाएंगे क्या आपको उसको इत्तला करना होगा क्या कि भाई तुझे हटा रहे? फ्रॉड वाला केस छोड़ दो, उसमें कोई इंटीमेशन नहीं है, बाकी आपको उसे इन्फॉर्म करना है। प्लस उसके पास राइट होगा कि वो एजीएम में क्या कर सके, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर जो देता है वो सर्कुलेट किया जाएगा एजीएम के नोटिस के साथ, नहीं तो अलग से, और अगर लेट हो गया तो फिर एजीएम में ऑडिटर पड़ेगा। अगर आपको लगता है एजीएम जब पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन को, एजीएम में जब ऑडिटर पड़ेगा, हो सकता है कि वो कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव अगेंस्ट में बोल दे, तो उस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसके रिप्रेजेंटेशन राइट छीन सकते हो। लेकिन याद रखना, एजीएम अटेंड करने का राइट कभी भी छीन नहीं सकते, या रिप्रेजेंटेशन देने का राइट बस छीना जा सकता। ये क्लियर हो गया भाई सबको? सेक्शन 140 किससे रिलेटेड था अपना? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ठीक है, देन ये सब प्रोविजंस अपन ने देख लिए। फ्रॉड्स के देख लिए, अब आ जाए 141, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 141 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, पहली बात बताओ कौन क्वालिफाइड है? सीए, सीए इन प्रैक्टिस। क्या और कोई भी व्यक्ति ऑडिट कर सकता है? नहीं। सेक्शन 141 हमारा दाल रोटी सेक्शन है। यही है वो जो सेक्शन जो कहता है कि ऑडिट सिर्फ कौन करेगा? सीए। अगर इस दुनिया से सेक्शन 141 और 44 ए बी ये दो सेक्शन हट जाए तो हमारी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। इन दो पे ही टिके हुए हैं हम, एक 44 ए बी टैक्स ऑडिट वाला और 141। सेक्शन 141 क्या कहता है कि एक चार्टेड अकाउंटेंट या सीए फर्म ही ऑडिटर अपॉइंट होगी। फर्म क्या एलएलपी हो सकती है? चलेगा। फर्म में क्या नॉन सीए भी पार्टनर हो सकते हैं? चलेगा। बट मेजॉरिटी क्या होना चाहिए? सीए। हमारी फर्म में 4 पार्टनर हैं, 2 सीए 1 लॉयर और 1 इंजीनियर। हो सकता है कि ऐसे 4 पार्टनर्स चलता है? सीए आजकल इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। 2 सीए 1 इंजीनियर 1 लॉयर, आप बताओ क्या मेरी फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं। मेजॉरिटी का मतलब मैक्सिमम सीए नहीं बोला, मेजॉरिटी। 4 में मेजॉरिटी कब आएगी? 3। यानी 3 क्या होना चाहिए? सीए। मेजॉरिटी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है कब? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे, तो ही आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। और वो भी कौन से? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इन प्रैक्टिस। द
ध्यान रखना ये लिमिट कब चेक करना होती है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बाद में हमारा एक आध सीए गुजर गया, हमारी फर्म में चार पार्टनर थे राइट, तो वे आर फोर पार्टनर्स से पांच पार्टनर थे, पांच में से तीन कितने थे सीए, एक की डेथ हो गई अपॉइंटमेंट के बाद, तो दो और दो चार ही बचे, क्या दिक्कत है, खाली करना होगा ऑफिस या चलेगा? चलेगा। ये लिमिट सिर्फ कब चेक करना है, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये किसकी लिमिट थी, क्वालिफाइड, कौन क्वालिफाइड, सीए सीए इन प्रैक्टिस फर्म विथ मेजॉरिटी सीए इन प्रैक्टिस पार्टनर, ये तो किसकी लिमिट हो गई अपॉइंटमेंट की। अब आ जाए डेथ हो गई तो रीअपॉइंट जो गया वो है नहीं, बाद में रीअपॉइंट, अच्छा फर्म रीअपॉइंट होगी या नहीं, ओके मैं बोलो वही मिस्टर एक्स कहां से आ गए। तो अगर कोई सीए चले गया है फर्म बची है क्या, फर्म को रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो वापस रीअपॉइंटमेंट में मेजॉरिटी पार्टनर लगेंगे, रेटिफाई कर सकते हो, रीअपॉइंट नहीं कर पाओगे, मेजॉरिटी लगेंगे, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, ये तो क्वालिफिकेशन हो गए। अब आ जाओ डिसक्वालिफिकेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन कब चेक करना होता है, जब अपॉइंट कर रहे हैं, पर डिसक्वालिफिकेशन कब चेक करना है, थ्रू आउट। अगर आपके पांच साल के पीरियड में कभी भी आप पर कोई डिसक्वालिफिकेशन लग गया तो आपका ऑफिस खाली हो जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। वापस बोलो, क्वालिफिकेशन कब चेक करना है, अपॉइंटमेंट, डिसक्वालिफिकेशन थ्रू आउट। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या, तो डिस्क्वालिफिकेशन सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी रजिस्टर कर दी एक सीए ने, पांच सीए एक कंपनी बना दे तो उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे, या तो पार्टनरशिप या एलएलपी या प्रोपराइटरशिप, कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे, पहला डिस्क्वालिफिकेशन बॉडी कॉर्पोरेट। सेकेंड, सीए को कब ऑडिटर अपॉइंट नहीं करा जाएगा, अगर सीए कंपनी में एम्प्लॉई है या ऑफिसर है, ऑफिसर में क्या आ गया, डायरेक्टर मैनेजर सीईओ सीएफओ इवन कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी पोजीशन होल्ड करते हो तो आप ऑफिसर, यानी आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्टरशिप में हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, बाहर हो जाओ, ऑडिटर अपॉइंट। इसमें आप अगर कंपनी के एम्प्लॉई ऑफिसर हो तो भी डिस्क्वालिफाइड, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई ऑफिसर के काम में एम्प्लॉई या उसके साथ पार्टनर हो तो भी डिस्क्वालिफाइड, यानी कि सीए खुद कंपनी में ना तो जॉब करेगा ना वहां का ऑफिसर बनेगा, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के किसी ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई के साथ पार्टनरशिप करेगा या उसके बिजनेस में जॉब करेगा, कुछ भी किया तो डिस्क्वालिफाई। सर हमारी फर्म में तीन लोग हैं जिसमें से एक एम्प्लॉई है, क्या हम डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, सिंपल रूल है, फर्म एक भी आदमी डिस्क्वालिफाइड तो पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालिफाइड, यानी एक भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली लिमिट बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरी एम्प्लॉई ऑफिसर या एम्प्लॉई ऑफिसर के साथ पार्टनर या एम्प्लॉई। ठीक है, तीसरी लिमिट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर या पार्टनर का रिलेटिव, नहीं 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 ये नहीं है, सीए रिलेटिव पार्टनर, तीनों अकेले या मिलजुल के कैसे भी, अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी उसकी फेलो सब्सिडरी या उसका जॉइंट वेंचर एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी क्या होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो चेन सब्सिडरी क्या होती है, वही होती होगी, बात करते हो, फेलो सब्सिडरी यानी अपनी होल्डिंग की सब्सिडरी, हमें कंट्रोल करने वाला किसी और को कंट्रोल कर रहा है,
तो हम दोनों फेल हो गए। विक्रम को जो कंट्रोल कर रही है वही बाला को भी कंट्रोल कर रही है, तो विक्रम और बाला को क्या कहा जाएगा? फेलो। अरे फेलो मतलब टू सब्सिडरी ऑफ सेम होल्डिंग कंपनी। चेन सब्सिडरी तो सब्सिडरी की परिभाषा में ही आ गई यार। सब्सिडरी की सब्सिडरी अपनी सब्सिडरी हो तो जनरल फंड है ना, सहेली की सहेली अपनी सहेली। तो समझिए पांच क्या क्या, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। कंपनीज एक्ट में एक ही शब्द दिया होता है एसोसिएट, पर एसोसिएट की परिभाषा में दिया हुआ है एसोसिएट इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर, तो दोनों आ गए। सीए रिलेटिव पार्टनर, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। इन पांच को मैं बोलता हूं कंपनी प्लस प्लस। क्या बोला इसको? कंपनी प्लस प्लस। सीए रिलेटिव पार्टनर, अगर कंपनी या कंपनी प्लस प्लस सब आ गया इसमें, पूरा ग्रुप आ गया, ठीक है। ये लोग अगर कंपनी प्लस प्लस में क्या करते हैं, पहली बात अगर सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो डिस्क्वालिफाइड। क्या बोला? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, सिक्योरिटी सब आ गया। कितने की? एक रुपए की भी होल्ड अगर की तो डिस्क्वालिफाई। लेकिन सीए का रिलेटिव अगर होल्ड कर रहा है तो वो रिलेटिव मिला जुला के एक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। एक लाख से ज्यादा की करे तो भी अगर वो 60 दिन के अंदर बेच दे तो भी चल जाएगा। एक लाख की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी कौन होल्ड कर सकता है? सीए के रिलेटिव। वो भी अगर ज्यादा हो गई और 60 दिन में बेच दी तो भी चल जाएगा। सीए या उसका पार्टनर तो एक रुपए की होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर सीए और उसके रिलेटिव ने होल्ड की, या सॉरी सीए या पार्टनर ने होल्ड करी या रिलेटिव ने होल्ड की एक लाख से ज्यादा की और 60 दिन में नहीं बेची, देन इन दैट केस सीए डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालीफाई यानी ऑफिस खाली कर दो। सिक्योरिटी में सब आता है और एक लाख की जो लिमिट है वो फेस वैल्यू है और गिल्टी हो गए व्हेन इट इज मोर देन 1 लाख, ना कि मोर देन इक्वल टू 1 लाख। सेक्शन 141 की सारी लिमिट ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो लिमिट हो गई किसकी? सिक्योरिटी। सेकेंड सीए रिलेटिव पार्टनर है। कंपनी प्लस प्लस में डाउट्स ले लेते हैं अपन। कंपनी प्लस प्लस में अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की इंडेटनेस रखेगा तो भी डिस्क्वालिफाई। अगर इंडेटनेस 60 दिन के अंदर अंदर पे ऑफ कर दी तो यहां 60 दिन का कोई रोल नहीं है। सीए की खुद की इंडेटनेस हो सकती है 5 लाख तक की, यहां चलेगा। सीए की भी हो सकती है, रिलेटिव की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। सिक्योरिटी सी और पार्टनर होल्ड नहीं कर सकते, पर उधारी सीए रिलेटिव पार्टनर किसी की भी हो सकती है। कितने तक की? 5 लाख। ये 5 लाख क्या पर सीए, पर पार्टनर, पर रिलेटिव, पर कंपनी लिमिट है या टोटल? टोटल सीए रिलेटिव पार्टनर की मिला के कंपनी प्लस प्लस में अगर 5 लाख से ज्यादा की इंडेटनेस हो गई उसी दिन उसका ऑफिस खाली हो जाए। और हमारी इंडेटनेस नहीं है लेकिन हमने कोई गारंटी दे रखी है तो फिर उस केस में लिमिट हो जाएगी 1 लाख। और गारंटी कौन दे सकता है? सीए रिलेटिव पार्टनर। कितने तक की? अप टू 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा पे डिस्क्वालिफाई। कौन डिस्क्वालिफाई हो जाएगा? सीए। सीए गया तो पूरी फर्म गई। लिमिट कैसे चेक करना? सीए रिलेटिव पार्टनर। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ? रिलेटिव कौन आएगा? तो रिलेटिव का बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले तो स्पाउस, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या संस्कार है। सबसे पहली बात वाइफ या हस्बैंड, वेरी गुड। पहला स्पाउस,
सेकंड, अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हो तो सारे के सारे एचयूएफ के मेंबर। और तीसरा स्पेसिफाइड रिलेशनशिप। स्पेसिफाइड रिलेशनशिप में क्या है, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस तो आई गई थी, सन डॉटर। अरे बोलो, सन डॉटर के स्पाउस भी आ जाएंगे, यानी कि बहू और दामाद ये भी रख लो। फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर स्पाउस। क्या भाभीज एंड जीजूज आएंगे? नहीं, ब्रदर सिस्टर के स्पाउस नहीं आएंगे। फादर स्पाउस आएंगी क्या? तो देखो, फादर मदर यानी लीनियन असेंडेंट, ऊपर देखेंगे तो स्पाउस आएंगे, नीचे की जनरेशन में भी स्पाउस आएगी। इधर साइड की जनरेशन यानी ब्रदर सिस्टर पे जाएंगे तो स्पाउस नहीं आएंगे, वाइफ आएगी। इनलॉज आएंगे क्या वाइफ के फादर मदर? नहीं आते, शादी करके ले आए फिर सब खत्म। खैर, तो इनलॉज कवर नहीं होंगे। इसमें स्टेप मदर भी शामिल होगी क्या? स्टेप फादर भी होंगे क्या? पुराने एक्ट में नहीं होते थे, नए एक्ट में होते हैं उनका, आजकल के जमाने में स्टेप फादर भी। खैर, स्टेप मदर भी आएंगे, स्टेप फादर भी आएंगे, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर। इसमें स्टेप डॉटर नहीं आएंगे। आया समझ में? यानी कि सगे सौतेले में कंपनी से कोई फर्क नहीं करता एक्सेप्ट इन केस ऑफ डॉटर, वहां पर स्टेप डॉटर को काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ एक बार क्वेश्चन स्टेप सन से भी पूछा गया है, तो स्टेप सन शामिल होगा क्या? यस। ये किसकी परिभाषा है? लिमिट। ये सब मिला जुला के 1,00,000, 5,00,000, 1,00,000 की लिमिट क्रॉस कर गए, खाली ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ये कौन सी लिमिट थी? इनडेटनेस और होल्डिंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉट हैव अ सीए और सीए फर्म, यानी उसके पार्टनर के नॉट हैव क्या बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कंपनी। कौन सी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो सकती है एक्सेप्ट टू? पहला, टू रेंडर प्रोफेशनल सर्विस, ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विस। दूसरा, वो गुड्स खरीदना कंपनी से या वो सेवाएं लेना जिसमें नॉर्मली कंपनी डील करती है, पर वो भी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ यानी नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्राइस। इसका मतलब मैं होटल का ऑडिट कर रहा हूं और मैंने होटल में अगर एक रूम बुक किया अपने नाम से, उसका पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है। लेकिन अगर मैंने डिस्काउंटेड रेट पर रूम लिया जो औरों को डिस्काउंट नहीं मिलता है, पर मैं ऑडिटर हूं मुझे मिला, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। उस होटल को मैंने अपनी जगह किराए पर दे दी कि भाई तू यहां होटल बना ले, उस केस में भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आई कैन नॉट हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद एनी पर्सन हु इज माय क्लाइंट, यानी जिस कंपनी को ऑडिट करो उसके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना, किराया देना, लोन देना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक्सेप्ट कौन सी रिलेशनशिप जिसमें वो ऑर्डिनरली डील करती है, कौन? हमारा क्लाइंट या फिर प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करती है। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल आए कि मैंने 5,00,000 रुपए की उधारी ले रखी है किसी से, क्या मैं डिस्क्वालीफाई? मेरा जो क्लाइंट है उससे 5,00,000 की उधारी है, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हुआ? एग्जैक्ट 5,00,000। मेरे क्लाइंट को मैंने 5,00,000 रुपए का लोन दे रखा है, लोन दिया है, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उसे लोन दिया है, क्या मैं डिस्क्वालीफाई? 5,00,000 के 1 रुपए का भी लोन दोगे तो डिस्क्वालीफाई। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी बिजनेस रिलेशनशिप आ गई। बिजनेस रिलेशनशिप में कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए की भी रिलेशनशिप नहीं हो सकती एक्सेप्ट जो उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, उसके अलावा कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना एक्सेप्ट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशनल सर्विस। यानी आप यूं समझ सकते हो कि आपकी जो 5,00,000 की इंडेटनेस है वो इंडेटनेस किससे आ सकती है? जो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है सिर्फ उससे। अगर आप अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी की भी बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, उस कंपनी का काम है टेलीकॉम कंपनी है,
और मैंने उससे 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, 5 एग्जैक्ट, क्या मैं डिस्क्वालीफाई जाऊंगा? यस, क्यों? इनडेटनेस 5 लाख की है चलेगा, बट मैं अगले पॉइंट में डिस्क्वालीफाई हो गया, बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। लेकिन मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूं और मैंने बैंक से 5 लाख तक का लोन लिया है, 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख तक का, तो चलेगा क्या? चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो बिजनेस रिलेशनशिप नॉर्मल कोर्स में है जो वो काम करता है, प्लस मेरी इनडेटनेस 5 लाख से ज्यादा नहीं है। दोनों ध्यान रख। एक और बात ध्यान रख, बिजनेस रिलेशनशिप किस में नहीं हो सकती और किसकी नहीं हो सकती? तो बताओ, 1 लाख 5 लाख वाली जो अपन ने लिमिट पड़ी थी वो किसकी पड़ी थी? सीए रिलेटिव और पार्टनर की, सीए रिलेटिव और पार्टनर की। और किस में डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा था? कंपनी या कंपनी प्लस प्लस में? कंपनी प्लस प्लस में। यार आया समझ में? अब आ गए अपन किस पे? बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप किसकी नहीं हो सकती? सीए या फर्म, यानी यहां पे रिलेटिव शामिल नहीं है। और किस में नहीं हो सकती? कंपनी प्लस प्लस, यानी यहां पर आप बताइए। सबसे पहली बात, क्या रिलेटिव अगर बिजनेस रिलेशनशिप रखेगा तो चलेगा क्या? चलेगा। रिलेटिव की बिजनेस रिलेशनशिप चलेगी, सीए की नहीं। और सीए की बिजनेस रिलेशनशिप होल्डिंग सब्सिडरी के साथ है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी पिछले और इस दोनों पॉइंट में कंपनी या कंपनी प्लस प्लस? कंपनी प्लस प्लस। कंपनी प्लस प्लस में कितना आएंगे? 5। अरे ठीक है, लेकिन सीए या सीए रिलेटिव पार्टनर, तो बिजनेस रिलेशनशिप में सीए और पार्टनर, लेकिन इनडेटनेस फेस शेयर वाले पॉइंट में सीए रिलेटिव और पार्टनर। ठीक है, बोलो। ये हो गया आपका पॉइंट बिजनेस रिलेशनशिप का। इसके अलावा अगर आपका रिलेटिव, अगर आपका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजेरियल पर्सन है तो भी आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। कौन? कौन? सीए का रिलेटिव। किसमें? किसमें? कंपनी में। क्या? डायरेक्टर या फिर की मैनेजेरियल पर्सन, तो भी आप क्या हो गए? डिस्क्वालिफाई हो जाओ। समझ आया मतलब? अरे बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात, ये पॉइंट सिर्फ किस पे लगता है? कंपनी।